यो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज के वीडियो आप दोस्तों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। फ्रेंड्स, लास्ट एक वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि दराज की तरफ से मेरा दो प्रोडक्ट आए हुए हैं। तो एक तो हमने अनबॉक्स किया था, बाइक राइडिंग ग्लोव्स थे, उसके बाद एक प्रोडक्ट जो रह गया था, तो आज हम इसी को अनबॉक्स करेंगे। इसके अंदर क्या है वो भी मैं आप लोगों को बता दूँ। फ्रेंड्स, इसके अंदर है एक ग्रीन शर्ट, जो कि यूट्यूबर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है जब वो अपना बैकग्राउंड को चेंज करते हैं। तो मेरा ये ओरिजिनल बैकग्राउंड है, ये मत सोचना कि कोई ग्रीन स्क्रीन लगा हुआ है। तो ग्रीन स्क्रीन मैंने मंगवाया है, तो अब इसको करते हैं अनबॉक्स। अनबॉक्सिंग करने से पहले मैं आप लोगों को इसका प्राइस बता दूं। फ्रेंड्स, इसका प्राइस मुझे पड़ा है 379 रुपीज़। आप यहाँ देख सकते हैं, आप लोगों को नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा है तो मुझे नहीं पता। तो इसका ओरिजिनल प्राइस मेरे ख्याल से 200 समथिंग हो रहा था, और डिलीवरी चार्जेस के साथ मुझे जो है ना ये 379 रुपीज़ में पड़ा है। फ्रेंड्स, चलते हैं इसको अनबॉक्स करते हैं। तो अनबॉक्स करने के लिए मेरे पास यहाँ एक नाइफ है, तो यहाँ मैं नाइफ को खोल देता हूँ और इसको कर लेते हैं अनबॉक्स। तो यहाँ मैं इसको यहाँ से ओपन कर देता हूँ, यहाँ से। चलो भाई, ये मैंने यहाँ से ओपन कर दिया है, तो यहाँ मैं निकाल देता हूँ ताकि आप लोग देख सकूँ। तो इसको पूरा निकाल देते हैं यहाँ से। ये फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ से निकाल दिया है। ये काफ़ी बड़ा है, इसका लेंथ है फ्रेंड्स 5x12, तो ये काफ़ी बड़ा है। तो यहाँ भी मैं इसको थोड़ा खोल के आप लोगों को दिखा देता हूँ। बाकी इसका क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, और यहाँ फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी बड़ा है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये 5 फीट का है, तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक मतलब। तो ये है इसका लेंथ। बाकी यहाँ आप देख सकते हैं कि काफ़ी इसका जो है ना ये भी आपको नज़र आ रहा है कि काफ़ी बड़ा है। अब 12x5 है ये, तो साइज़ काफ़ी अच्छा है इसका, और इतने साइज़ मेरे लिए काफ़ी होगा बैकग्राउंड लगाने के लिए। और इसके अलावा देखते हैं कि बॉक्स के अंदर और हमें क्या मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, एक कुछ इस तरीके का आप लोगों को क्लिप्स मिलते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। इसके अंदर 4 क्लिप्स हैं, चारों कॉर्नर पे आप लगाएंगे उस ग्रीन शर्ट के। तो ये भी काफ़ी अच्छा है, ये मेरे ख्याल से दीवार के साथ चिपकाना पड़ता है, और ये जो है ना उस ग्रीन स्क्रीन के अंदर डाल देना है। शायद यहाँ कोई इसके साइड पर जगह हो जाए, यहाँ तो मुझे कोई जगह नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन वो हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे कि ये हमें किस तरीके से लगा देना है। अगर फ्रेंड्स आप भी कोई ग्रीन स्क्रीन के बारे में सोच रहे हैं, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके बाय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।